हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विम्पी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ की कुछ रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं तो उस वजह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ज़्यादा बड़ी रेमेडी नहीं बता रही हूँ, बहुत ही ईजी एक रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने बालों में ऑयल लगाना है अच्छे तरह से। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या बादाम का तेल आप यूज़ कर सकते हो। आपको ऑयल लगाना है आधा या एक घंटे के लिए। उसके बाद आपको चाहिए लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ही अच्छे तरह से आपके डैंड्रफ को जो है वो दूर करता है। अगर आप डायरेक्टली नींबू को निचोड़ देंगे अपने सर पे तो वो बहुत जल्दी स्पिल करेगा इधर से उधर। इससे अच्छा एक तरीका है कि आप उसे स्प्रे बॉटल में उसे भर लें और उसके बाद आप अपने बालों में उसे स्प्रे करें। तो मैंने इसके अंदर जो है लेमन जूस भर लिया है। और इतना ध्यान रखिएगा कि लेमन जूस आपको फ्रेश ही लेना है, ये नहीं है कि आप बॉटल को पूरा ऊपर तक भर दो और सोचो कि एक महीने तक आप उसे चलाओगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने उतना ही लेमन जूस लिया है जितना मुझे चाहिए अभी। तो ऑलिव ऑयल मैंने अपने बालों में पहले से लगाया हुआ है, एक घंटा हो चुका है इसे लगे हुए, तो अभी मैं इसे अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस में जब आप लेमन जूस लगाएंगे अपने बालों में तो आपको थोड़ी सी टिकलिंग सेंसेशन ज़रूर होगी, क्योंकि इचिंग बहुत होती है सर्दियों के दिनों में हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प के अंदर। और जब हम इचिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े छोटे छोटे वून्स हमारे स्कैल्प के ऊपर बन जाते हैं, और उस वजह से लेमन जूस जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है हमारे स्कैल्प पर। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेमन जूस जो है आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रखना है आपके सर पे, ज़्यादा देर तक नहीं रखना। और उसके बाद जो है आप अपने बालों को एक माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर सकते हैं। तो लेमन जूस मैंने अपने बालों पे लगा लिया है अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा अपने बालों पे मसाज कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जलन फील हो रही है मेरे बालों पर इस टाइम, बट कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है, कम से कम डैंड्रफ तो दूर हो ही जाएगा इससे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं रेमेडी नंबर 2 की, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इजी तो ये भी थी, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा इजी है। अगर आप लेमन जूस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सोच रहे होंगे वो तो कुकीज़ और बिस्किट्स बनाने में काम आता है, केक बनाने में काम आता है, लेकिन वो हमारे डैंड्रफ को भी दूर करता है। आपको क्या करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा लेना है और उसे डायरेक्टली अपने बालों पर लगाना है, 10-15 मिनट के लिए उसे छोड़ दें ऐसे ही। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें किसी भी माइल्ड शैम्पू से, या फिर आप ऐसे अगर पानी भी डालेंगे सिर्फ अपने बालों पर भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी कुछ एक या दो रेमेडी मैंने आपको बताई, जो कि बहुत ज़्यादा इजी थी। इससे डैंड्रफ से आपको छुटकारा डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और आपको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, इससे आप मेरी फ्यूचर वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।